चैनल में स्वागत है। मैं सोमा चटर्जी आज आप लोगों को बहुत अच्छी एक बेनिफिट एक हेल्दी सलाद बना के दिखाने जा रही हूँ, जो है हरी मूंग की सलाद है। ये तो ये बहुत ही अच्छी स्प्राउट है। तो ये देखिए, जो पहले इस तरह से है ये हरी ये है, तो इसको भिगो के दो तीन दिन रख देने के बाद इस तरह से ये बन जाता है। तो इसको आप अच्छी तरह से धो के एक अच्छी जगह में कपड़े से ढक के रख देती हैं, तो ये अच्छी तरह से इस तरह से स्प्राउट बन के तैयार हो जाता है। तो स्प्राउट बनाने के जो इंग्रेडिएंट्स है मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये है 2 ओनियन जो मैंने बारीक कटी है, काट के रखी हुई है। ये 2 खीरा है, इसको मैंने गोल गोल आकार से काटी है। कुछ धनिया पत्ते हैं और ये 1 टमाटर बारीक कटी हुई, और ये 1 हरी मिर्च है, ये ब्लैक सॉल्ट और वाइट सॉल्ट। ये है, ये नींबू है, इसको हम लोग बंगाली में गोंधोराज नींबू कहते हैं। इसमें रस कम होता है मगर ये बहुत सेंटेड, बहुत सुंदर, एक टेस्टी खाने को होता है। तो और ये है ब्लैक पेपर और चाट मसाला। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को सलाद बना के दिखाती हूँ। तो पहले एक बोल लीजिएगा, बोल में स्प्राउट्स को अच्छी तरह से दे दीजिएगा। ये बहुत अच्छी हेल्दी एक रेसिपी है। इसको आप रोटी के साथ भी सवेरे भी खा सकते हो। ये डिनर में सलाद के साथ बहुत ही अच्छी एक रेसिपी है, आप इसको अपने घर पे ट्राई कर सकते हो। अब इसमें आप गाजर भी दे सकते हो, मगर मैंने गाजर नहीं दिया है, ये पूरा ऑप्शनल है, आपके टेस्ट अकॉर्डिंग दीजिएगा। अब मैं दे रही हूँ प्याज, खीरा, टमाटर और रेड चिली, धनिया पत्ता दे दूंगी, और इसमें ब्लैक सॉल्ट और वाइट सॉल्ट दोनों ही दूंगी, देने से इसका टेस्ट बहुत एक अच्छा आता है। और इसमें दे दूंगी चाट मसाला और ब्लैक पेपर, और इसमें से ऊपर से ये थोड़ा सा ये नींबू का ये रस ये थोड़ा सा दे दीजिएगा। ये देने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा एक सेंटेड हो जाता है। ये बहुत ही अच्छी एक, इसमें रस बहुत ही कम होता है मगर ये बहुत ही सेंटेड होता है। तो अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिएगा। तो देखिए स्प्राउट सलाद बनके ये तैयार है। तो ये बहुत झट से 1 मिनट में बन जाता है। तो ये बहुत ऑयल बैलेंस्ड डाइट है। तो ये इसको आप अच्छी तरह से अपने घर पे ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा, खाइएगा। ये हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी एक बेनिफिट एक सलाद है। तो जो लोग डाइट करते हैं वो लोग मील में भी ले सकते हैं, ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं, डिनर में भी ले सकते हैं। ये हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी एक सलाद है। तो फ्री ये एक बैलेंस्ड डाइट है, इसमें रैपेज भी है। आपको पसंद आएगा तो आप लोगों को जब अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरी इस रेसिपी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाएगी और आप अच्छी तरह से मेरी ये वीडियो देख सकते हो, नई नई वीडियो देख सकते हो। तो तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। तो इसको आप बनाइएगा, खाइएगा, देखिए ये बहुत ही अच्छी टेस्टी बनी है। तो तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। टाटा बाय।